जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर आपने किसी भी तरीके से बैंक का, क्रेडिट कार्ड का या फिर किसी भी NBFC का पर्सनल लोन लिया है और वो अभी तक रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या मैं सिम तोड़ के फेंक दूँ डस्टबिन में या फिर घर के बाहर, ताकि वो जो रिकवरी एजेंट वाले हैं या फिर बैंक वाले हैं, NBFC वाले हैं, वो आपको कभी भी परेशान ना कर सके। अगर आपके भी मन में ये सवाल है, ये हजारों लाखों लोगों के मन में सवाल होता है जिन्होंने किसी भी कारण से लोन को डिफ़ॉल्ट किया और वो अब परेशान आ चुके हैं, परेशान हाल हो चुके हैं कि बार बार उनको कॉल कर करके किसी किसी तरीके से तंग किया जा रहा है, मेंटल पीस जो है वो उनकी छीन चुकी है। तो ऐसे केस में उनके मन में हमेशा से ये सवाल होता है कि अगर सिम को तोड़ के फेंक देंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे फर्स्ट दोस्तों मैं पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपने किसी भी कारण से लोन डिफॉल्ट किया तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि आप बैंक से या फिर NBFC से किसी तरीके से थोड़ा बहुत टाइम ले लें, टाइम उनसे रिक्वेस्ट करें, और जैसे ही आपको टाइम दिया जाए उस टाइम के अंदर में आप उनका रिपेमेंट करके लोन को क्लोज करने की कोशिश करें। क्योंकि ये नहीं तो फिर बहुत तरीके से आपको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको लगातार कॉल्स आ रहे हैं, आपके फैमिली वाले को कॉल्स जा रहे हैं, आपके रिलेटिव्स को कॉल जा रहे हैं, अब आप परेशान हो चुके हैं कि आखिर क्या किया जाए। ना तो ये टाइम देने के लिए तैयार होते हैं कभी कभी, और साथ में काफ़ी हद पार कर देते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे लोग भी मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो मुझे ये समझ में आता है, और बार बार यही पूछते हैं कि क्या सिम को तोड़ के फेंक दें, क्या सिम को तोड़ के फेंक। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको टाइम मिलता है तो टाइम उनसे किसी तरीके से ले लें, और अगर टाइम नहीं देते हैं और आपको फ़ोन पे कॉल करके गाली गलौज कर रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आप उसका एक प्रूफ अपने पास रख लीजिए कि आपको कॉल पर इस तरीके से बदतमीजी की गई या इस तरीके से धमकी दी गई। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसकी प्रूफ अपने पास रखेंगे। और बात करने का सही तरीका क्या है कि अगर कोई भी आपको कॉल करता है बैंक से या फिर NBFC से, तो सबसे पहले सामने वाले बंदे का आप पूरा नाम पूछिए, किस कंपनी से बोल रहा है, क्या एड्रेस है, कौन सा ब्रांच है, वो सभी डिटेल्स अपने पास पहले जमा कर लीजिए, उसके बाद आगे की बातें कीजिए। सामने वाला बंदा आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स करेगा लोन रिपेमेंट के लिए, तो आप सिर्फ एक बात कीजिएगा कि मैंने आपकी कंपनी को मेल भी किया है और बताया भी है कि मुझे अभी लोन देने में थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कुछ समय लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस में वो वहाँ पे आपकी बात नहीं सुनते हैं और सिर्फ बोलते हैं कि जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दे, और ऐसे कॉल्स दे लिए आएंगे। तो अगर आप अपना सिम तोड़ के फेंक देते हैं तो इससे दोस्तों एक निगेटिव पॉइंट भी है और एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो क्या निगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, निगेटिविटी यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेगी, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आपके लिए क्या होगा, तो जो आपकी मेंटल पीस पहले से खो चुकी है वो अब धीरे धीरे वापस आएगी, क्योंकि आपको जो कॉल्स है वो आना हमेशा बंद हो जाएंगे, कोई कॉल आपको रिसीव नहीं करना पड़ेगा, किसी तरीके से आपको दिक्कत दिन भर में नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों ये रहा। सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट की बात ये करें, तो अगर आप लोग सिम बंद करते हैं तो उनको लगता है कि ये बंदा अब कहाँ है, नहीं है, तो ज़्यादातर देखा गया है कि वो आपको फिर कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, आपका जो लोन है उसको काफ़ी समय बाद रिटर्न ऑफ कर देते हैं, अपने खाते से हटा देते हैं, क्योंकि आपका उनसे कुछ भी कांटेक्ट काफ़ी समय से हुआ ही नहीं। जब काफ़ी समय से कांटेक्ट हुआ ही नहीं तो वो आप पे एक्शन नहीं लेकर आपका जो भी लोन वगैरह है वो रिटर्न ऑफ कर देंगे, अपने खाते से हटा देंगे, अगर ये 50,000, 1,00,000, 2,00,000 तक का है तब। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं कि इसके निगेटिव पॉइंट्स की तरफ, कि क्या इसके निगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो दोस्तों निगेटिव पॉइंट क्या बनता है वो समझिए। कंपनियाँ ज़्यादातर क्या करती है कि कुछ डाटा आपका पहले से ही इकट्ठा करके रख लेती है, जैसे आपके फ्रेंड्स का नंबर या फिर रिलेटिव्स का नंबर, तो अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं आते तो कभी कभी 50% चांस में देखा गया है कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स में या फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कॉल करके कोशिश करते हैं आप तक पहुंचने की, यानी आपसे कांटेक्ट करने की। आपके फ्रेंड्स को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि इस नंबर का व्यक्ति है,
और इसने मेरा लोन अभी तक नहीं दिया है, तो प्लीज़ इसको मुझसे बात करा दीजिए जल्द से जल्द। तो ऐसा कुछ भी काफ़ी कंपनियां करती आई हैं, जबकि ये करना नहीं जायज़ है, फिर भी अब क्या कर सकते हैं, जो नियम बने हैं उसको कोई भी कंपनी फॉलो धड़ल्ले से तो नहीं करती है, कुछ फॉलो करती है और कुछ फॉलो नहीं भी करती। तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले ही ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे फिर दोस्तों दूसरा निगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए दूसरा निगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि अगर फ्यूचर में आपको जैसे लोन का रीपेमेंट करना हुआ या आपके पास पैसा आ गया, आप चाहते हैं कि लोन को क्लोज करना, तो फिर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके पास अगर रजिस्टर्ड नंबर होगा तो आप काफ़ी आसानी से वो काम कर पाएंगे, और अगर आपके पास रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो फिर वही काम करने में आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से रजिस्टर्ड नंबर होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है जब आप लोन वगैरह क्लोज करना चाहें या फिर लोन का रीपेमेंट करना चाहें। तो ये दोस्तों रहा दूसरा निगेटिव पॉइंट। और तीसरा दोस्तों निगेटिव पॉइंट ये होता है कि बिना बताए कभी कभी ऐसे केसेस में रिकवरी एजेंट्स भी घर पे पहुंच जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन 10% 20% केसेस में रिकवरी एजेंट्स घर पे पहुंच जाते हैं। कब, जब आपका घर शहर में है और इजिली लोकेटेबल है, यानी आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है, कोई भी उसको आसानी से ट्रेस कर सकता है लोकेशन को, तब वो आपके घर तक पहुँच आएंगे, वो भी कुछ ही दिनों में, 15 से 20 दिनों के अंदर, जब आप सिम तोड़ के फेंक देंगे उसके बाद। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर दिए दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट भी और निगेटिव पॉइंट भी। तो अगर आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल ही इन लोगों से जो बातचीत करके आपको दिक्कतें आ रही हैं उसको फेस ना करें, तो आप नंबर अपना बंद भी करा सकते हैं। और लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ इसके निगेटिव पहलू भी है और कुछ पॉजिटिव भी है। तो दोनों बातें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने आपके साथ ये बातें डिस्कस कर दी है, और साथ ही में अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फॉलो करते रहिए, ताकि आपको किसी भी तरीके से लोन रिलेटेड हेल्प चाहिए तो वो आपको हमारे माध्यम से मिल सके। तो चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।